सो हेलो गाइस, दिस मनोरंजन एंड वेलकम टू बुश प्रो। तो चलिए हम लोग देखते हैं कल का जो मार्केट रहेगा। आप जानते हैं कि कल एक्सपायरी है, तो वीकली एक्सपायरी है, तो कल क्या भी ओपन सही रहेगा उसको हम लोग एक बार देखते हैं। तो जो जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि मैं ऑलरेडी बैंक निफ्टी के चार्ट पे हूँ, तो कल हम लोग जो बात किए थे तो उसके हिसाब से अगर आप आज का मार्केट देखें तो यहाँ पर क्या था, हम लोग ये जो ट्रेंड लाइन था तो हम लोग मेंशन किए थे कि अगर मार्केट बुलिश होता है या अगर मार्केट में पॉजिटिव मोमेंटम आपको दिखता है तो पहले इस ट्रेंड लाइन को डिसाइसिवली उसको ब्रेक करना है। तो आज सारा दिन आपको दिखा कि ये जो एक रेंज था इसी रेंज पे मार्केट घूमा और ये जो ट्रेंड लाइन था तो उसके ऊपर जा नहीं पाया अभी तक। और उसका कारण एक ही था कि मार्केट में जो ओआई का अभी बिल्डअप है, अभी भी अगर 36,500 आप देखते हैं तो 36,500 से ऊपर मार्केट जा नहीं सकता, क्योंकि आप ओआई एक बार यहाँ पर देख लीजिए कि अभी का जो ओआई है मार्केट में, तो यहाँ पर क्या है कि 36,500 पे आप देख सकते हैं कि डिफरेंस कितना है, ऑलमोस्ट 13 लाख का एक डिफरेंस यहाँ पर आपको दिख रहा है। तो राइट, तो इसके हिसाब से भी मार्केट में अभी भी जो ऊपर का रेजिस्टेंस आपको दिख रहा है, तो रेजिस्टेंस के हिसाब से हम लोग इसको ही रेजिस्टेंस अभी मानेंगे। तो इसीलिए अभी का जो सिचुएशन की मार्केट रेजिस्टेंस है 36,500, और सपोर्ट दो यहाँ पर लिखा हूँ मैंने कि, तो सपोर्ट तो एक डायरेक्ट सपोर्ट जो आपको बन रहा है यहाँ पर 36,000 इमीडिएट सपोर्ट। और इमीडिएट सपोर्ट इसीलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मान लीजिए कल मार्केट ये जो 50 EMA आपको दिख रहा है यहाँ तक मार्केट आए, तो यहाँ तक अगर मार्केट आता है तो मार्केट कोशिश तो करेगा ज़रूर कि इसको ब्रेक कर जाए। राइट, अगर इसको ब्रेक नहीं कर पाता तो मार्केट में फिर से आपको एक नीचे से मार्केट पुश करेगा नीचे। तो उसमें क्या होगा कि आपको ये जो ट्रेंड लाइन एक बन रहा है यहाँ पे, इस ट्रेंड लाइन को ध्यान पे देना है। तो अगर बेयरिश के हिसाब से आप एंट्री लेना चाहते हैं तो मार्केट में आपको यहाँ तक वेट कर जाना है, या फिर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अगर आपको मान लीजिए यहाँ पर अगर आपको फॉलो अप कैंडल मिलता है, फॉलो अप कैंडल के बाद एंट्री लीजिए। लेकिन सही रहेगा आपका ये जो ट्रेंड लाइन है इसको अगर ब्रेक करता है मार्केट, तो आप पहले इस यहाँ पर एक T1 आप कर सकते हैं, उसके बाद नेक्स्ट आपका आ जाएगा 35,500। तो इसीलिए और 35,000 नीचे 35,000 मैंने इसीलिए मेंशन किया है क्योंकि ये आपका एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अभी आपको मानना है इसको, क्योंकि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अगर देखते हैं तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एक्चुअली 35,000 ही है। राइट, तो उसके हिसाब से ये सारे चीज़ें आपको ध्यान पे देना है। और यहाँ पर क्या है कि अगर आप ओआई देखते हैं तो ओआई पे आप सॉरी अगर आप यहाँ पे चार्ट पैटर्न देखते हैं तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये जो एक ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन को मार्केट अभी भी मेंटेन कर रहा है यहाँ पे। राइट, तो मार्केट मान लीजिए अगर कल इसको ब्रेक करता है तो मार्केट पहले तो ये जो 50 EMA है इसको क्रॉक्स डिसाइसिवली ब्रेक करेगा, उसके बाद नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस आ जाएगा इसमें, तो मार्केट में ऊपर का जो लेवल है एक्चुअली, तो फर्स्ट लेवल है आपका 36,500 और उसके बाद आ जाएगा 37,000। जो 37,000 अभी पॉसिबल नहीं दिख रहा है क्योंकि आप ओआई जाके ओआई देख सकते हैं अभी, क्योंकि ओआई के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो आप 36,000 पे 37,000 पे आप देखिए 30 लाख यहाँ पे, और यहाँ पर आपका 36,500 पे आप 25 लाख, और बाकी ये सारे पोजिशन में भी आप देख पा रहे हैं 36,900 10 लाख उसके बाद। तो ये सारे कंसिस्टेंट आपका ओआई बिल्डअप आपको दिखेगा यहाँ पे। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे 36,000 पे, तो वहाँ पर आपका देख पा रहे हैं कि ओनली 20 लाख यहाँ पर बिल्डअप है। तो उसके हिसाब से अभी भी जो पुट का बिल्डअप है वो वीक है, उसके हिसाब से अभी भी बेरिश व्यूपॉइंट सही है। और बेरिश व्यूपॉइंट के लिए जो जो चीज़ें मैंने अभी आपको बताया वो चीज़ें आप ध्यान पे दीजिए, और जो ट्रेंड लाइन आपको दिख रहा है इस ट्रेंड लाइन पे आप ज़रूर आपका फोकस रहना चाहिए यहाँ पे, कि अगर मार्केट नीचे आता है फिर से इसको टेस्ट करने के बाद, तो डिसाइसिवली अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तभी आपको एंट्री लेना है, उसके पहले एंट्री लेना थोड़ा खतरनाक हो सकता है आपके लिए। तो ये गया आपका बैंक निफ्टी। तो अगर हम लोग निफ्टी में देखते हैं तो निफ्टी में क्या है, निफ्टी में आपको दिखेगा यहाँ पर भी ये जो ट्रेंड लाइन आपको दिख रहा है, तो इसमें निफ्टी थोड़ा स्ट्रॉन्ग आपका यहाँ पर आपको दिखेगा, क्योंकि ये जो ट्रेंड लाइन है ऑलमोस्ट इस ट्रेंड लाइन के यहाँ पर आ गया है। और मार्केट में आप देख सकते हैं ये जो 50 EMA है यहाँ पे, तो 50 EMA तक मार्केट ऑलरेडी अप्रोच कर चुका है। तो हो सकता है मार्केट डायरेक्टली यहाँ से डिसाइसिवली ब्रेक देने का कोशिश करे। तो मान लीजिए अगर मार्केट ब्रेक करता है इसको, तो हम लोग ओआई की बात थोड़ा बाद में करते हैं। तो
अगर मार्केट यहाँ पर ब्रेक कर जाता है तो उसमें क्या होगा, फास्ट टारगेट आपका लास्ट जो सपोर्ट था जो 17,331 वो हो जाएगा, उसके बाद 441, मतलब कल आपको एक जो भी मोमेंटम आपको दिखेगा वो एक डायरेक्शनल मोमेंटम रहेगा और अच्छा मोमेंटम आपको दिखेगा। अगर मार्केट बुलिश भी होता है तो अच्छा मोमेंटम अप टू आपका 17,400 तक मार्केट जा सकता है ऊपर, और अगर बेरिश भी होता है तो मार्केट ऑलमोस्ट एटलीस्ट 16,800 तक मार्केट नीचे आ सकता है। तो बैंक सॉरी निफ्टी में अगर हम लोग देखते हैं तो निफ्टी में क्या है, कल मार्केट या तो इसके ऊपर ओपन होगा, अगर मार्केट ऊपर सस्टेन कर जाता है तो सही बात है, नहीं तो फिर से मार्केट को एक पुल बैक मिलेगा और आ जाएगा इस ट्रेंड लाइन के ऊपर। अगर इसको ब्रेक करता है तो आपका एंट्री फॉलो अप कैंडल पे होगा, और उसमें क्या है, टारगेट वन एक स्विंग ट्रेड आपका यहाँ पर T1 होता है और नेक्स्ट टारगेट टू आपका यहाँ पर होता है। तो इसके हिसाब से आपको चीज़ें सोचना है अगर हम आप बैंक निफ्टी के सॉरी निफ्टी की बात कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान पे दीजिए। तो अभी क्या है कि अगर हम लोग निफ्टी में देखते हैं तो निफ्टी में फिर से वही आ जाएगा कि ऊपर अगर हम लोग सपोर्ट देख सॉरी नीचे सपोर्ट देखते हैं तो 16,800, और ऊपर का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस क्या है, 17,200। तो 17,200 क्यों बता रहा हूँ मैं, रेजिस्टेंस है। तो अगर आप वाई पे आएंगे तो वाई पे आपको दिख जाएगा कि 74 लाख और 20 लाख, तो इसके हिसाब से आपको दिखेगा कि कितना वीक है अभी पुट वाले, अभी भी आपको बिल्डअप दिखेगा कि वहाँ पर उतना ज़्यादा बिल्डअप अच्छा नहीं है। तो उसके हिसाब से मार्केट अभी भी नीचे आ सकता है और प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बन रहा है एक्चुअली। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, ये सारी चीज़ें आप ध्यान पे दीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट।